प्राइस सेगमेंट में मुझे जो है अच्छा ये प्राइस लगता है, लेकिन कंपनी इसको थोड़ा कम कर सकती है। अगर मैं बात करूँ इसके मेन नेगेटिव पॉइंट्स के अंदर, जो कंपनी की जो सर्विस है वो ऑल ओवर ठीक है, लेकिन कस्टमर के अकॉर्डिंग वो कंपनी जो चेंज नहीं करती है वो जो है फेल हो जाती है। तो इसका जो प्राइस है वो अलग अलग शोरूम पे अलग अलग देखने को मिलता है, और आपको लगभग 10-10, 15-15 हज़ार रुपए का भी डिफरेंस देखने को मिलता है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी जो एक साइट है, कंपनी की साइट है, इसमें मेक इट योर्स करके, तो उसमें आप चूज़ कर सकते हैं सब कुछ। इसमें आप डाउन पेमेंट भी चूज़ कर सकते हैं, ईएमआई भी चूज़ कर सकते हैं, 7% के हिसाब से बना दी जाती है। लेकिन आप जैसे ही कंपनी के शोरूम पर विजिट करते हैं तो ये जो हकीकत है कुछ और हो जाती है। कोई इसको जो है 230 में भी उनको दे रहा है, जो कंपनी है वो 26,000 के करीब जो है, 2,26,000 के करीब जो इसको देती है, लेकिन शोरूम पे ये 240, 245, 250 तक चली जाती है। तो हमने जो है बहुत ही बार्गेनिंग करके, बहुत बार बहुत शोरूम पे विजिट करके, कई महीने हमें जो है इस बाइक को खरीदने में लगे। उसका मेन रीज़न यही था, प्राइसिंग। तो प्राइस का जो डिफरेंस आ रहा था वो हमने ऐसे ही बार्गेनिंग करके लिया। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक ही शोरूम पर विजिट ना करें, पहले फ़ोन पे बार्गेनिंग करें, कुछ उसमें कम होगा, कुछ आप जो है कंपनी जाकर विजिट करें। और बिल्कुल भी, क्योंकि आपके पैसे हैं उन पे कभी भी कंप्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए, आपकी मेहनत की कमाई आप दे रहे हैं। तो इसमें मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप 2-3 शोरूम एक बार विजिट करके पूरा बार्गेनिंग का जो एक लेवल होता है वहाँ तक आप जाइए। तो बार्गेनिंग ज़रूर कीजिए, बहुत, अगर आपके पास पैसा है तो फिर भी पैसे की इज्जत कीजिए। पैसा जो है कहते हैं कि पेड़ पर नहीं लगता है, और पैसा अगर आप इस पे लगाते हैं नो डाउट ये आपको जो है एक एक पैसे का जो है बैकअप जरूर देती है। आपको बहुत अच्छा जरूर लगेगा इसको खरीद कर। आपको जब भी मुझे ये चलाने को मिलती है, चलानी पड़ती है, तो बड़ा ही शानदार मुझे लगता है। और इसके मैं कॉन्स की और दूसरी बात करूँ तो कंपनी की जो सर्विस है, फर्स्ट सर्विस कहते हैं कि 500 पर कंपनी करती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम 1,000-1,500 चले किलोमीटर तो तभी ये करना चाहिए। मैंने 1,000-1,200-1,300 चलाने के बाद ही फर्स्ट सर्विस करवाई थी, तो बड़ी ही शानदार रही। और इसमें जो एक टैप, इसके जो मैं देसी भाषा में बताऊं तो इसमें जो है ना टैपिंग बोलते हैं, और इसका होल जो ये पूरा इंजन खोल के उसके अंदर की जो टाइमिंग चेन होती है उसको एडजस्ट किया जाता है। वो क्यों करना होता मुझे समझ में नहीं आता आज भी, चलो होता होगा कुछ। लेकिन उसकी जो कॉस्टिंग है वो 800 रुपये, जो कि बहुत हो जाती है। और आप अगर देखेंगे तो ये तो मेरे ख्याल से जिसने भी खरीद रखी है तो वो वर्थ इसको नहीं मानता होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ सील दी जाती है 800 रुपये में। कंपनी कहती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होती है, मैं नहीं मानता कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस आप प्रोवाइड करवा रहे हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसमें रबड़ है कुछ जो 800 रुपये के आप दे रहे हो। तो मेरे ख्याल से तो आप सर्विस उसमें कॉस्ट जो है निकाल ही रहे हो, वो कोई वर्थ नहीं है। अगर वो टैपिंग ज़रूरी है तो बिल्कुल आप कीजिए, लेकिन उस मात्र 3 रबड़ के टुकड़ों के 800 रुपये लेना मुझे तो भाई बहुत ही जो है खटका है इसके बारे में। लेकिन चलो, वो ज़रूरत थी। 10,000 किलोमीटर के बाद जो ये होती है, इसकी जो सर्विस होती है।
है 10,000 किलोमीटर पर आप जब चला लेते हैं बाइक को, तब आपको इसका ऑयल जो इंजन ऑयल होता है वो चेंज करवाना होता है। लेकिन सेकंड सर्विस जो हुई मात्र 220 रुपये में, क्या हुआ उसमें? मैं सोच रहा था कि इंजन ऑयल भी चेंज होगा, बहुत सारे पैसा जो है खर्च दोबारा से आने वाला है। जो इस बाइक की सबसे ख़ास बात मुझे लगी कि 10,000 रुपये में 10,000 किलोमीटर पर जो है इसका इंजन ऑयल चेंज होता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें सेकंड सर्विस में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा जो देख रेख है वो ठीक की जाती है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। मुझे कोई प्रॉब्लम इसमें खास नहीं लगी थी, सिर्फ एक चेन जो है इसमें क्लीन की जाती है 220 रुपये में। चलो वो वर्थ है, वो उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, कंपनी का इतना बनता भी है। और सर्विस ऑल ओवर वैसे अच्छी है अदर के मुकाबले, लेकिन जो प्राइस है वो थोड़ा सा आप इसको जेन्युइन कर सकते हैं। आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत तरीके से काम कर रहे हैं, तो उसका हम मानते भी हैं कि भाई चलो कोई पार्ट्स है वो चेंज हुआ है। टाइपिंग का मुझे सबसे जो है इसका गलत वो लगा, ज़रूरत है तो बिल्कुल आप सर्विस कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा ले रहे हैं उसके हिसाब से, जबकि लेबर जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो लॉन्ग टूर के लिए भी ये बाइक बनी है एक्चुअली। वैसे तो सिटी राइड के पर्पस से जो है सभी खरीदते हैं, सिटी में ही ज़्यादा चलाते हैं। लॉन्ग टूर ऐसा नहीं है कि आप कई सालों तक लॉन्ग टूर के लिए निकल चुके हैं, तो आप कभी 6 महीने में 3 महीने में कभी कभार ही लॉन्ग टूर पर जाते हैं, तो भी आपके लिए ये बाइक बहुत ही शानदार है, रिलायबल है। और इसमें मैं बात करना चाहूँ तो मैंने जो है अभी इस पर लद्दाख के लिए भी प्लान मैं कर रहा हूँ, अगर कोई भाई जाना चाहता है मेरे साथ में तो मुझे ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइनिंग फीस मात्र मैं अभी 5,000 रुपीज़ रख रहा हूँ। मैं आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाला हूँ, एक गाइड आपको और कैंपिंग इसमें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जिस भी भाई को मेरे साथ में चलना है। और बहुत ही अच्छा और शानदार जो है हमारा एक्सपीरियंस होने वाला है, और एक बार जो जुड़ेगा वो बिल्कुल लाइफ टाइम तक मेरे साथ में रहेगा। कपल्स के लिए भी मैं अभी जो है टूर प्लान कर रहा हूँ। ये कोई पैसे कमाने वाला जो है मैं बिजनेस नहीं बना रहा हूँ, लेकिन अर्थ के बगैर जो है कोई भी कार्य संभव नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ कर देता हूँ तब उसकी वैल्यू इतनी होती नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा इसमें प्राइस डाल देता हूँ जो कि वर्थ है, क्योंकि हमें जो है बहुत इंक्वायरी रखनी पड़ती है हर बात के लिए, एक टूर गाइड का भी काम हम आपके लिए कर रहे हैं, तो ये जो है प्राइस बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सा प्राइस है जो हमने रखा है। हो सके तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। और अगर मैं ऑल ओवर दूसरी अगर इसकी बात करूँ जितनी तारीख मैं कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से ये जो बाइक है बड़ी ही शानदार कंपनी ने डिज़ाइन की है, बहुत ही अच्छे इसका इंजन है। इंजन ही मेन होता है, क्योंकि जो टॉर्क ये देती है, जो पहाड़ों पे ये चलती है, इस पे एक बंदा सिंगल बंदा बैठा हो या 5 बंदे भी बैठ जाएं, कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जैसे चलती है वैसे ही चलती है, बस किसी इस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। गियर रेशो इसमें 5 की दी है, जो ठीक है। अगर 6 गियर की अगर आप बाइक लेते हैं तो जब आपको बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हाईवे पे चलना हो तब उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें 100-110 ये आराम से पहुंच जाती है, कोई ज़्यादा उसको दिक्कत भी नहीं होती है। और इंडियन रोड के हिसाब से, हाईवे के हिसाब से
100 की स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। मैं 70 और 80 का ही रिकमेंड करता हूँ हाईवे के ऊपर, और सिटी में बिल्कुल आराम से आप चलाइए। इसका जो बाइक का जो ऑल ओवर परफॉर्मेंस है वो 60-70 की स्पीड पर ही सबसे बढ़िया देखने को मिलता है। इसमें आपको एवरेज भी अच्छी मिलेगी, आपका जो जर्नी होगा वो भी शानदार रहेगा। आप थोड़ा सा कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली, तो आप जितना आराम से इसको चलाएंगे, जितना आप प्यार से इसको रखेंगे, कहते हैं कि ये साधन भी जो है, आप अगर साधन की देख रेख रखेंगे तो साधन भी आपकी जो है देख रेख बिल्कुल अच्छे से रखता है। अगर आप इसकी तरफ नहीं देखेंगे, आप इसकी जो सर्विस का ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये भी आपका ध्यान नहीं रखेगा। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा ना करते हुए अगर कुछ पॉइंट रहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ स्पेशल बाइक के लिए हम जर्नी नहीं कर रहे हैं, ये हम आपके जो सोलो राइड है वो कैसी होनी चाहिए, कैंपिंग है वो कैसी होनी चाहिए, आपके जो जर्नी के साथ में जो चल रहे हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप एक अच्छी जर्नी को जो है अच्छा और यादगार बना सकते हैं, वो सारी बातें हम इसमें लेकर चलेंगे। आप हमारी जर्नी के साथ जुड़े रहिए और हमारा साथ दीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए।